पुरानी किताब में पेज नंबर 816 खादिनी। तो याद रखिएगा ये आठ भूत प्रकृतियों के बारे में दिया हुआ है, लिख लीजिए उसके ऊपर आठ भूत प्रकृति कौन कौन सी होती हैं। आठ भूत प्रकृति ऊपर लिखिएगा, अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, एक तीन तो ये हो गई। अव्यक्त बुद्धि, बुद्धि को ऑब्लिक के लिख करके महान कर लीजिएगा, बुद्धि ऑब्लिक महान, पहला अव्यक्त, दूसरा बुद्धि, तीसरा अहंकार, प्लस ख आदिनी, ख मतलब आकाश आदि, पांचों महाभूत की बात कर रहे हैं, पंच महाभूत, तीन ये प्लस पंच महाभूत, इन आठ को हम लोग भूत प्रकृति बोलते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया सर। फिर इसके बाद देखिएगा सेकंड लाइन का सेकंड हाफ, समनस्काश्च पंचार्थः विकारः इति संगीतः। उसके पहले है बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव पंच कर्मेन्द्रियाणि च, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसके ऊपर लिखा है विकारः षोडशः, मतलब 16 प्रकार के विकार होते हैं। तो कुल मिला के हमको आठ प्रकृति, बुध प्रकृति और 16 विकार पता होने चाहिए। अब 16 विकार कौन से हैं? एकादश इंद्रियां हैं और इंद्रियों के पांच अर्थ हैं, पंच अर्थ। तो लिख लीजिए एकादश इंद्रियां और पंच अर्थ, एकादश इंद्रिय पंच अर्थ। हो गया? बोलो भाई। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखिएगा, जायते यस सर। बुद्धि अव्यक्ताद, ऐसा कुछ मिला? परम खादिन अहंकारम उत्पद्यते यथा क्रमम। इसको यूजी के बच्चे मार्क करें, ये यूजी में पूछा जाता है, रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सृष्टि का आपको पता होगा, सृष्टि का कैसे उत्पत्ति होती है, अव्यक्त, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, फिर कैसे पंच तन्मात्राएं होती हैं, कैसे सत्व रज रजतम, ऐसा कुछ करके चार्ट एक पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा है कुछ ऐसा? सृष्टि की उत्पत्ति यस बताइए। सर। यस सर। सृष्टि उत्पत्ति क्रम। वो याद रखिएगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम, और यहाँ पे चरक ने भी यहीं पे बताया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस याद रखिएगा। फिलहाल वो जो चार्ट आपके दिमाग में चलता है वही मेन होता है, उसको आपको पता होना चाहिए। श्लोक नंबर 69, एक शब्द आया होगा बीचों बीच, उदय प्रलय, मिला? उदय प्रलय 69 श्लोक के बीचों बीच में आया होगा एक शब्द, उसको मार्क करिएगा। यहाँ पे प्रलय के बारे में कह रहे हैं, सिर्फ आपको रेफरेंस पता होना चाहिए ना। और हिंदी में छठवीं लाइन देखिएगा, जो लोग रज व तम से विमुक्त हैं, अहंकार से भी रहित हैं, उन लोगों का उदय यानी जन्म व प्रलय यानी मृत्यु नहीं होता है, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोग रज और तम इन दो से मुक्त रहते हैं, उनका न तो पुनर्जन्म होता है न तो मृत्यु होती है, यानी कि न तो जन्म होता है उनका और न ही मृत्यु होती है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो उदय प्रलय का मतलब यहाँ पे समझ में आया, उदय मतलब उत्पत्ति, प्रलय मतलब मृत्यु, न तो उनकी उत्पत्ति होगी और न ही उनकी मृत्यु होगी, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जो रज और तम से मुक्त होते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं और वही नहीं समझ में आता, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उदय प्रलय को अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, आत्मा के बारे में है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। सुश्रुत ने कितने लक्षण बताए हैं? सुश्रुत के अनुसार सर 18 16 और चरक के अनुसार 22 हैं, है ना। फिर नीचे एक शून्यागार, हाँ 22, चरक के अनुसार इसको सब काउंट करेंगे तो 22 आता है, ठीक है।
और एक चीज और याद रखिएगा, अव्यक्त पुरुष के लक्षण, ऐसा हेडिंग पड़ा हुआ है, ये अव्यक्त पुरुष के लक्षण है। किम लिंगम पुरुषस्य च, एक धातु पुरुष कौन सा होता है? चेतना सर आत्मा चेतना धातु पुरुष धातुरप्येकः पुरुष संहिता, तो उसी की बात कह रहे हैं। एक धातु पुरुष कह लीजिए, चाहे अव्यक्त पुरुष की बात कर रहे हैं या आत्मा की बात कर रहे हैं, तो ये 22 लक्षण याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पंच तत्व की परिभाषा बताया था लास्ट लेक्चर में, कि पंच तत्व का मतलब क्या होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, है ना, पंच महाभूत शरीरी समवाय। जब पंच महाभूत का शरीरी यानी आत्मा से समवाय संबंध, समवाय का मतलब क्या होता है, अपृथक भाव। इतना तो पता है कि समवाय का मतलब क्या होता है, जिसको पृथक न किया जा सके, ठीक है। और जब आत्मा इन पंच महाभूतों से पृथक हो गया, यानी आत्मा शरीर से पृथक हो गई, तो समवाय संबंध क्या हुआ, विच्छेद हो गया, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, मृत शरीर या पंच तत्व में लीन हो जाना, ठीक है। क्लियर हुआ? तो शून्यागार को अंडरलाइन करिएगा, शून्यागार। बोलो भाई, बोलते यस सर। रहो, वैसे पकाऊ चैप्टर है। नीचे आया मन अचेतन और क्रिया करने वाला है, अंडरलाइन करिएगा, मिला कि नहीं, मन अचेतन। और थर्ड लाइन लास्ट में, कि आत्मा चेतन है और करता है, ये भी हम आपको लिखा चुके हैं, हो गया। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, 79 नंबर, जी सर। 79, सर्वगतो अप्यात्मा। तो हमने बताया था कि चरक और सांख्य ने आत्मा को सर्वगत बताई, सब पूछा जाता है बच्चा, किसने आत्मा को सर्वगत बताया है, वहां चार ऑप्शन रहेंगे। तो चरक और सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा कैसा है, सर्वगत है, और सुश्रुत के अनुसार आत्मा असर्वगत। जब हम लोग शारीर पढ़ेंगे सुश्रुत का, तो वहां पे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, श्लोक नंबर 85, 85 मिला पुरानी किताब में, 821 नंबर पेज पे, 821 सेकेंड लाइन का फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे हम। संयोग पुरुष येष्टो विशेषो वेदना करता, ऐसा कुछ मिला? यस सर। यस सर। संयोग पुरुष या राशि पुरुष में ही वेदना विशेषता होती है, जिस 24 तत्वात्मक शरीर में वेदना नियत अर्थात व्यवस्थित है, उस शरीर में ही वेदना जन्य दीनता या हर्ष नियत रूप से रहता है। कहने का मतलब क्या है, कि जो वेदना होती है वो किस में होती है, राशि पुरुष में ही है या संयोग पुरुष में ही है। और अभी हमने पीछे एक लाइन बताया था, स्टार्टिंग यहाँ से आकर किया था, कि राशि संगतः मोह इच्छा द्वेष कर्मजः, याद आ रहा है, वहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट किए थे अभी। जो मोह इच्छा द्वेष से युक्त होगा उसी में वेदना होगी। यस सर, 53 पे। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपका किसी के प्रति मोह है, किसी से आप द्वेष कर रहे हैं, एक प्रकार की वेदना की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो बस उससे आप कोरिलेट करिए, याद रहेगा कि राशि पुरुष संयोग पुरुष, वो भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 86 नंबर श्लोक, चिकित्सती भिषग सर्वस्त्रिकाला वेदना इति, मिला मिला कि नहीं मिला? 86 बिल्कुल। यस सर। यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, सोचिए कि इतनी बड़ी बात चरक ने यहाँ पे बताई है, अगर आपसे कोई रेफरेंस पूछ ले तो आप नहीं बता पाओगे। पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका हम पास्ट हिस्ट्री भी लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री भी लेते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में जो जिस बीमारी को लेके आया है उस बीमारी से मुक्त हो, ऐसा कोशिश किया जाता है। मतलब हम तीनों काल में उसकी वेदनाओं का शमन करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि चिकित्सक जो होता है, जो भिषग हो जो होता है, सभी तीनों काल में यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी वेदनाओं की चिकित्सा करता है। तो रिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है।
822 नंबर पेज एक श्लोक आया हो, पूर्व रूपम विकाराणाम दृष्टा प्रादुर। मैं बता रहा हूं, अगर आपको मेरी बुक दिख रही है, कैमरे के सामने मैं ला रहा हूं, दिख रहा है? दिख रहा होगा। मार्क yes, इस तरीके से हाइलाइटर लेके मार्क करिए और लिखिए, तब तो पढ़ने का कोई मतलब बनता है। ठीक है, हर पेज में आपको एक एक दो दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होंगे जो पढ़ने होते हैं। तो ऑरेंज कलर का व्हाइटनर रखिए, मतलब हाइलाइटर, और उससे मार्क करिए, एक पेन लेके बैठा करिए, उससे लिखा करिए। ठीक है, और जितना बोला करें सिर्फ उसको ही अंडरलाइन नहीं किया, उसके ऊपर लाइन खींच दिया करिए हाइलाइटर से। ऑरेंज इसलिए बोल रहे हैं, वो मिटेगा नहीं, हमेशा के लिए बना रहेगा, वो उड़ेगा नहीं। वो पूर्व रूपम विकाराणाम दृष्टा प्रादुर भविष्यताम या क्रिया क्रियते सा च वेदनाम, इसको अंडरलाइन करिएगा। अभी पीछे बताया है कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की चिकित्सा करते हैं, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल ये पूर्व रूपम वाला इम्पोर्टेंट है। भविष्य रोग की चिकित्सा में युक्ति उदाहरण, वह जल फिर ना आए जिससे पहले खेती नष्ट हो गई हो, मतलब ऐसा कोई बाढ़ या प्रॉब्लम ना आए जो पहले नुकसान कर चुका। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, पहली लाइन जो हमने छोड़ दिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर में वेदना काल को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है, होने वाले रोगों के पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भविष्य रोगों को नष्ट करती है। हम यहाँ पे अपेक्षा करते हैं षड क्रिया काल के एक श्लोक का, कोई बताएगा? बहुत अच्छा श्लोक है सुश्रुत का, हिंट दे रहे हैं कि षड क्रिया काल का क्या महत्व है चिकित्सा में। पढ़ चुके हो, संचय डैश 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 अपहर्ता दोषा, नहीं याद आ रहा? कितने महानुभाव हैं क्लास में, 21, किसी को नहीं पता? संचय अपहर्ता दोषा न लभन्ते उत्तरो गति, ऐसा कभी पढ़ा हुआ है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, यस सर। दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है, देन प्रसर होता है, ऐसा होता है? हाँ सर, जी सर। वहां पे सूचना ने बताया कि अगर संचय की अवस्था में ही हम दोषों का शमन कर देते हैं तो वो आगे की अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, वही चरक ने उसी लाइन को यहाँ पे दूसरे तरीके से कहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सुश्रुत की वो लाइन, कोट कर लीजिएगा, संचय अपहर्ता दोषा संचय अपहर्ता दोषा न लभन्ते गति। शायद सुश्रुत सूत्र 21 का है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो हुआ चरक की लाइन और सुश्रुत की लाइन, कैसे हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सुश्रुत वाली वो लाइन याद रखिएगा, वही लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वहां पे आपको षड क्रिया काल का महत्व अगर पूछा जाएगा तो षड क्रिया काल अगर हमको पता है, संचय प्रकोप प्रशमन हमको पता है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती, संचय है, प्रकोप है, प्रशर है, और स्थान संश्रय और व्यक्ति याद रखिए उसका महत्व। पढ़ते तो हैं हम षड क्रिया काल जानते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं ये हमको नहीं याद रहता, तो ये श्लोक हमको पता होना चाहिए सुश्रुत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए युक्त मेताम, एक आता है नष्ट की चिकित्सा, तो सबसे पहले तो याद रखिए नष्ट की चिकित्सा चरक ने शारीर एक में बताया है, तो रेफरेंस पूछा जाता है कि नष्ट की चिकित्सा का रेफरेंस क्या है, चरक शारीर एक। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो उपधा रहित चिकित्सा, लिख लीजिएगा उपधा रहित चिकित्सा,
नैष्ठिकी चिकित्सा, उपधा रहित चिकित्सा। सर उपदा मतलब लिखा हुआ है बच्चा, देखो नीचे लास्ट लाइन देखो, जहां पे हिंदी में लिखा है लास्ट लाइन में देखो लिखा है ना, उपधा ब्रैकेट में तृष्णा मिला। यस सर मिल गया। इस श्लोक जैसे हम लोग सामान्य श्लोकों को रटते हैं, वैसे ये भी 94 नंबर श्लोक याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। जो हम बोले इम्पोर्टेंट, वहां IMP लिख लिया करो या स्टार बना लिया करो। युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालां वेदनां विषक, अभी हम लोग पीछे ही बात किए हैं। हंति युक्तम चिकित्सा तो नैष्ठिकी या विनोदधाम, ठीक है। सुख के कारणों का सेवन करने से दुख का क्रमिक अनुबंध नष्ट हो जाता है। सुख संग काम आरोग्यम विकारो दुख में उच्च, ये भी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सर जानते हैं जी सर। फटाफट ऊपर लिखो, सुख संग काम आरोग्यम विकारो दुख में वच, अनुकूल वेदनियम डैश 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 क्या है, प्रतिकूल सुखम प्रतिकूल लिखो वेदनियम दुखम लिखो फटाफट लिखो फटाफट लिखो। फटाफट भेजो फटाफट फटाफट लिख लिया। अब देखो यहाँ क्या करें, सुख के कारणों का सेवन करने से दुख का क्रमिक, जो चीज सुख की अनुभूति क्या होती है, वेदना को दूर करती है। अनुकूल वेदनियम सुखम, जो हमारे अनुकूल हो रहा है उससे हमको सुख की अनुभूति हो रही है, जब सुख की अनुभूति हो रही है तो वेदना दूर हो रही है ऐसा हमको पता है, ठीक है। और सुख की प्रवृत्ति हो जाती है, सम धातु में विषम नहीं होती और विषम धातु में सम नहीं होती। यानी कि यहाँ पे ये भी कह रहे हैं सुख संज्ञकम आरोग्यम, बच्चा ध्यान से सुनो, कुछ है नहीं, बस अपने भावों को आप कैसे व्यक्त कर पाओगे, कॉपी में कैसे लिख पाओगे, उसकी बात कर रहे हैं। सुख संज्ञकम आरोग्यम पता है अभी बोला हमने, और आरोग्य क्या है, स्वस्थ है। स्वस्थ क्या है, समदोष समाग्निश्चय सम धातु मलक क्रिया। समझ में आ रहा कैसे चीजों को रिलेट करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता सब है, बस कैसे हम उसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो हम बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, हमको जानकारी सब रहती है, ठीक है। तो ये सब एक सुनने से, बार बार सुनने से आ जाता है ये सब। फिर वही बात है कि जब हमारे अनुकूल कोई कार्य हो रहा है, सुख जिससे अनुभूति हो रही है, तो उससे हमारे जो धातुएं हैं, सिर्फ धातुएं नहीं, चाहे वो अग्नि हो, दोष हो, कुछ भी, सब साम्यावस्था में रहती हैं, विषमावस्था में नहीं आ पाती हैं, और वही क्या है, आरोग्य है। फिर लिखा हुआ, इस युक्ति को लेकर ही वैद्य त्रिकाल में होने वाले रोगों की चिकित्सा द्वारा नष्ट करता है ऐसा कहा है। उपधा को छोड़कर जो चिकित्सा होती है वह नैष्ठिकी चिकित्सा कही जाती है। हमको आज तक ये नहीं समझ में आया, ये उपधा तृष्णा ये रोगी के लिए है कि वैद्य के लिए है, भाई वैद्य भी तो तृष्णा लालच के वशीभूत होकर चिकित्सा करते हैं। फिलहाल जिसके लिए भी चरक ने कहा हो, लालच से रहित जो चिकित्सा की जाए, तृष्णा से रहित जो चिकित्सा की जाए, वही चिकित्सा क्या है, नैष्ठिकी यानी मोक्ष देने वाली। और मोक्ष क्या है, उदय प्रलय से मुक्ति, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्लियर। तो नैष्ठिकी चिकित्सा क्या है, उपधा रहित चिकित्सा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, उपधा ही परो हेतु दुख आश्रय पदा मिला, 95 नंबर श्लोक। उपधा क्या है, तृष्णा है, लालच है, यही जो तृष्णा है लालच है सभी दुखों का कारण है। अनुकूल वेदनियम सुखम प्रतिकूल वेदनियम, जो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है उससे दुख हो रहा है, और प्रतिकूल यानी हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं लालच है, तृष्णा है, इसलिए दुख की अनुभूति हो रही है। उपधा ही दुख का और दुख का आश्रय भूत शरीर उत्पत्ति में मूल कारण है। उपधा का कारण क्या है, मतलब दुख का कारण क्या है, उपधा है, तृष्णा है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुख का कारण क्या है, उपधा है, ठीक है। सभी प्रकार की उपधाओं का त्याग करना संपूर्ण दुखों का नाशक माना जाता है, बस इतना याद रखिएगा इसमें। फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन आपको पता होगा, धी धृति स्मृति विभ्रंश,
मिला नहीं मिला? यस जी सर। जी सर। प्रज्ञापराध। यस सर। प्रज्ञापराध। ये प्रज्ञापराध नहीं है, प्रज्ञापराध अभी आगे आएगा, लेकिन धी धृति स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश ये है ना, धी धृति स्मृति का भ्रंश हो जाना है ना, काल और कर्म की संप्राप्ति, असाध्य अर्थों का आगम दुख का कारण होता है। कुल मिला के धी धृति स्मृति अगर इसका विभ्रंश हो जाए तो दुख का कारण होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं। अब यहाँ पे बुद्धि विभ्रंश, धृति भ्रंश और स्मृति, यानी धी धृति और स्मृति तीनों के विभ्रंश के क्या क्या लक्षण होते हैं अगले श्लोक में बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है धृति भ्रंश में लास्ट लाइन, धृति नियमात्मिका मिला, धृति उसको अंडरलाइन करते हुए, धृति नियमात्मिका। अब देखो 99 नंबर श्लोक पे आओ, विषम अभिनिवेशो यो नित्या नित्ये हिता हिते। एक लाइन बोल रहे हैं, कैच कर लो कहाँ का है तो मान जाए, विषमाम कुरते बुद्धि नित्या नित्ये हिता हिते, विषमाम कुरते बुद्धि नित्या अनित्ये हिता अहिते। हम संधि विच्छेद करके बोल दिए, पढ़ा है, हिंड दे रहे हैं, चरक चिकित्सा में पढ़ा है। सर दस में अतत्वाभिनिवेश की परिभाषा है, तो अतत्वाभिनिवेश की परिभाषा और बुद्धि विभ्रंश का लक्षण दोनों एक जैसे लगता है, तो लिख लीजिए, याद यही भी लिख लीजिए, विषमाम कुरते बुद्धि, विषमाम कुरते बुद्धि नित्या नित्य हिता हिते, नित्या नित्य एक साथ लिखिएगा, नित्या नित्य यह में एक ही मात्रा, फिर हिता हिते, हिता हिते एक साथ, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो हित और अहिते हो जाएगा। विषमाम कुरते बुद्धि नित्या नित्य हिता हिते अतत्वाभिनिवेश चरक चिकित्सा दस हो गया, हो गया। यस। विषमाम अभिनिवेशो यो नित्या नित्य हिता हिते गेयः स बुद्धि विभ्रंश समम बुद्धि पश्यति। नित्य और अनित्य एवं हितकारी और अहितकारी कर्म काल और बुद्धि का विषम अभिनिवेश करना, इसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। यहाँ पे अगर हम कुल मिला के देखें, वहां पे क्या है, विषमाम कुरते बुद्धि नित्या हित्य नित्या नित्य हिता हिते, थोड़ा सा वही है, बिल्कुल हमको तो चेंज नहीं लगता है। नित्य और अनित्य, हितकारी और अहितकारी कर्म, काल अर्थ बुद्धि का विषम अभिनिवेश करना, इसे बुद्धि विभ्रंश करते हैं। मतलब कि बुद्धि का विभ्रंश क्या हुआ, नित्य अनित्य का ज्ञान न होना, हितकर क्या है अहितकर क्या है इसका ज्ञान न होना, इसी को यहाँ पे बुद्धि विभ्रंश कर रहे हैं, और इसी को चरक चिकित्सा दस में क्या बोल दिया वहां पे, अतत्व अभिनिवेश। अतत्व अभिनिवेश भी वही है, बुद्धि विभ्रंश कह सकते हैं, बट अगर दो ऑप्शन रहेगा तो श्लोक अगर रहेगा तो वहां पे हमको दोनों को, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो दोनों मीनिंग वही है, चाहे वह तत्व अभिनिवेश हो चाहे बुद्धि विभ्रंश हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस है श्लोक में, उसको आपको कैच करना होगा। बस विषमाम से स्टार्ट होगा तो वो अतत्व अभिनिवेश है, विषमाम कुरुते बुद्धि, तो वहां पर देखिए बुद्धि स्टार्टिंग में आ जा रहा है, तो वो बुद्धि विभ्रंश नहीं है, वो क्या है तत्व अभिनिवेश है। अगला है धृति भ्रंश। अच्छा धी धृति और स्मृति तीनों को अगर एक एक शब्द में पूछा जाए तो क्या है, धी क्या है, धृति क्या है, स्मृति क्या है? तो धी बुद्धि है, और धृति धारण करना है, और स्मृति स्मरण करना, स्मरण करना लॉन्ग टर्म के लिए जो स्मृति रखे ना, ठीक है, धृति मतलब धारण करना और स्मृति। आपको जब मेध्य रसायन पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, रसायन छूटा हुआ है, तो रसायन पढ़ाने के पहले जो मेध्य रसायन हम लोग पढ़ते हैं, या द्रव्यगुण में जो हम लोग औषध कर्म पढ़ते हैं, वहाँ मेध्य जब पढ़ाया जाता है
वहां पे धी, धृति और स्मृति तीनों के लिए अलग अलग बताया जाता है कि धी कैसे कर्म करता है, कौन कौन से दोष वहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, धृति में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है और स्मृति में किस दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अच्छा, स्मृति में कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक कॉमन सेंस बताइए। सर कफ दोष, कफ दोष है सर, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्थिर रखना है किसी चीज को, तो स्थिर रखने का कर्म किसका होता है, आलसी जो होगा, जो पड़ा रहेगा एक जगह पे, कफ का। तो जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, फिलहाल यहाँ पे धृति भ्रंश का लक्षण देखिएगा, विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंशाश्च शक्यते नित्य अनुत्यम अहिता, ऐसा है ना। धृति है नियमात्मिका, यही इंपॉर्टेंट है, धृति ही मन को नियमित करने वाली होती है, जो धृति है वो मन को नियंत्रित करती है, नियमित करती है, ठीक है। मन का लक्षण क्या है, लास्ट लेक्चर में बताया था मन का लक्षण क्या है, अरुत्तम छम छत्म 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 कन्फर्म है, श्योर नहीं सर, सब ज्ञान से भाव अभाव वाला था। हे देवियों और सज्जनों, रिवाइज करके अगले सर अरुत्तो मत चैकत्व दो गुणों मन से इसमें